नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। गाजा बॉर्डर पर इसराइल का कब्जा, 1500 लड़ाके मारे, हमास ने दी बंधकों को मारने की धमकी। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार इसराइली सेना ने कहा है कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ इसराइली सेना ने देश के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अगले 3 दिन तक शेल्टर होम में रहने को कहा है। युद्ध की घोषणा के बाद से इसराइली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के 1760 ठिकानों को निशाना बनाया है और सीमा पर 1,00,000 सैनिकों को तैनात किया है। इसराइल की सेना ने कहा कि रात में गाजा में 200 जगहों को निशाना बनाया गया और अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे गए हैं। इस युद्ध में इसराइल के करीब 130 सैनिकों की जान गई है। वहीं हमास ने धमकी दी है कि इसराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देंगे। इसराइली सुरक्षा बलों ने बताया कि लेबनान सीमा पर संघर्ष के दौरान एक डिप्टी कमांडर की मौत हो गई है। इसराइल संकट पर सरकार से अलग कांग्रेस का रुख, फलस्तीन का किया समर्थन। इसराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। एक तरफ भारत ने जहां आधिकारिक तौर पर अपने रणनीतिक साझेदारी इसराइल के साथ एकजुटता जताई है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फलस्तीन का समर्थन किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर किए गए ट्वीट में कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बेहद दुखद है और समय की मांग है कि तत्काल युद्ध विराम हो। कांग्रेस स्वशासन के लिए फलस्तीन संघर्ष के साथ खड़ी है और मानती है कि संकट के समाधान के लिए बातचीत की जानी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुट जताई थी और कहा था कि इसराइल में हमास के हमले के बाद मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत मुश्किल की इस घड़ी में इसराइल के साथ खड़ा है। आप विधायक अमानतुल्ला खान के घर ईडी का छापा, धनशोधन मामले में कार्रवाई। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के घर ईडी ने छापा मारा और जांच पड़ताल की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है। अमानतुल्ला खान और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन के एक मामले की जांच चल रही है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी नियुक्तियों से जुड़े मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की एक प्राथमिकी पर संज्ञान लिया है। विधायक अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वित्तीय अनियमितता के मामले में सीबीआई और दिल्ली सरकार की एसीबी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। अमानतुल्ला खान को पिछले साल एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाशी के दौरान बरामद डायरियों में हवाला के जरिए लाखों रुपए के लेन देन का उल्लेख मिला था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अलशीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में की गई है। क्षेत्र में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस के अनुसार मारे गए लश्कर आतंकियों में से एक आतंकी ने इस साल की शुरुआत में बैंक गार्ड संजय शर्मा की हत्या की थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर जोन विजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक के 25 पत्रकारों से दूसरी बार पूछताछ, यूएपीए के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के 25 पत्रकारों से दोबारा पूछताछ की है। इस मामले की जांच अभी जारी है और अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। न्यूज क्लिक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते 3 अक्टूबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूज क्लिक से जुड़े कई स्थानों पर छापा मारा था और 9 महिला पत्रकारों सहित लगभग 46 लोगों से पूछताछ की थी। इसके साथ ही न्यूज क्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौल, चंबा और किन्नौर में बर्फबारी, मनाली ले मार्ग बंद, शिमला में बारिश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, चंबा और किन्नौर में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के साथ राजधानी शिमला में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14-15 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
चंबा में भरमौर पांगी और ऊपरी चोटियों समेत बैरागढ़ किलाड़ वाया साच पास मार्ग पर 10 से 12 इंच तक बर्फबारी हुई। इससे वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। पांगी से चंबा के लिए आने वालों को जम्मू कश्मीर पंजाब समेत हिमाचल सीमा को पार कर चंबा पहुंचना होगा। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण सामरिक महत्व का मनाली लेह मार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गया है। मनाली से ले जाने वाले वाहनों को दारचा में और लेह से आने वाले वाहनों को सरचू में रोका गया है। शुभमन गिल की तबीयत में सुधार पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना मुश्किल। डेंगू से पीड़ित होने के बाद टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका प्लेटलेट काउंट काफी कम हो गया था, लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार है और वह अस्पताल से होटल आ गए हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विश्व कप मुकाबले में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शुभमन गिल के खेलने की संभावना बेहद कम है। डेंगू से उभरने में आमतौर पर 7 से 10 दिन लगते हैं और इसके बाद असल चुनौती फिटनेस की होगी। लेकिन माना जा रहा है कि शुभमन 19 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश मैच तक फिट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।